लेकिन अमित शाह भी आके ये काम नहीं कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं। बीजेपी पर विश्वास नहीं किया सकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लगातार जो पटना में जल जमाव हुआ था उस कारण जो लोग फंसे हुए हैं उसमें लोगों की मदद जो है वो पप्पू यादव को मिल रही है। अभी भी लगातार जो इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहा हूँ किस तरीके से जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अररिया से लोग आ रहे हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, रेलवे में हैं, वो सभी पप्पू यादव को सहायता कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं। हम लोगों से जुड़ते हैं धीरे धीरे करके। अच्छा, रेलवे में काम करते हैं? यस। कौन से पोस्ट पर हैं? रेलवे ड्राइवर हैं। अभी तो दशहरा है, आपने अपना एक महीने का तनख्वाह दे दिया, घर कैसे चलेगा? सर पहले ये जरूरी है ना, जनता की सेवा ये जरूरी है। वो तो अपना एक परिवार है, उसके हम अपना मैनेज कर लेंगे। कहाँ से आप आए हैं? फतुहा मोहिद्दीनपुर से। फतुहा से आए हैं? फतुहा से आप चल के आए हैं अपना तनख्वाह देने के लिए? यस सर, यस सर। लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मोहिद्दीनपुर गाँव से। तो मतलब क्या है जो पप्पू यादव कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए? और बिल्कुल सर, भविष्य में ऐसा और भी हम मदद करते हैं। और भी कीजिएगा? बिल्कुल। मतलब आपके परिवार पर इसका असर तो पड़ेगा ना सर? लेकिन नहीं, दशहरा है, अब दिवाली आएगा, अपना परिवार का मैनेज हम कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ही जरूरी है। देखिए उससे ज़्यादा वो ज़रूरी है, और भी जो लोग हैं अररिया से जाए हुए थे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी फैज परवेज नाम हुआ। क्या करते हैं आप? जी बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था खराब है, उस बीच आपने आर्थिक मदद कर दी है। जी लगा होगा? जी लगा हम लोग को कि बाढ़ में बहुत लोग परेशान हुए हैं, पटना में बहुत बुरी तरीके से क्षति हुआ है इन लोगों का, तो आगे बढ़ के हम लोग को कुछ मदद करना चाहिए। अररिया से आप आ गए? जी अररिया से। कब आए हैं? कल ही आए हैं, कल बैठे थे बस में, आज सुबह पहुँचे हैं। जी तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, अभी दशहरा है, दिवाली आएगी, आपने डोनेट कर दिया, आपने अपने बारे में नहीं सोचा? तो फेस्टिवल पर्व त्यौहार तो बात की चीज़ है, पहले आगे बढ़ के जो परेशान लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहिए, उन लोगों को पहले देखना चाहिए। जो हम लोग जो आवाज़ पटना से चल रही थी वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार भर में पहुंच रही है, और जिस तरीके से और भी लोग हैं वो देखिए धीरे धीरे कतार में खड़े हैं लोग। कहाँ से आए? कहाँ से हैं? हम कंकड़बाग से। कंकड़बाग इनका सब कुछ डूब गया, तब ये 40,000 रुपया दे रहे। देखिए कंकड़बाग में इनका सब कुछ डूब गया सर, लगातार जैसे कुमार पासवान जी, पासवान जी का आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं क्या ये होते जा रहा है धीरे धीरे, जनता जो है ये जागरूक होते जा रही है? या भैया जनता को सरकार पर भरोसा नहीं है, वो पैसा वो रख लेगा या नहीं तो बंदर बांध कर लेगा, लूट लेगा। कभी पैसा होता है क्या? जनता का पैसा जाता है क्या? भरोसा पप्पू यादव पर है कि यदि हम एक मदद करेंगे तो इसका कई गुना ज्यादा पप्पू यादव लगा के मदद करेंगे। ऐसे सेफ बैंक हो चुका है जिसमें फ्रॉड नहीं हो सकता है। आम आदमी का सेफ बैंक है, जब जिसको नहीं रहेगा वो आके यहाँ से निकाल सकता है। मतलब जिस तरीके से देश में विजय माल्या हो, सभी ने फ्रॉड किया है, उस तरीके का फ्रॉड यहाँ नहीं हो सकता है। हद हो गया भैया, विजय माल्या क्या है? विजय माल्या थालिया पैर का धूली है जनता के सामने, ये इन लोगों के सामने। अच्छा, ये लोग क्या है? ये लोग यही लोग तो विजय माल्या के बाप है जी। लेकिन अमित शाह से बोलते तो अलग बात था, विजय माल्या बिजनेसमैन है, लेकिन अमित शाह भी आके ये काम नहीं कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं। देखिए अमित शाह भी ये काम नहीं कर सकते, ये जनता बोल रही है, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। अच्छा नहीं नहीं, जिस तरीके एक आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री तो पड़ोसी को भी छोड़ के भाग गया, उप मुख्यमंत्री जो है हमारे बिहार को, वो तो पड़ोसी को भी छोड़ के भाग गया। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हम अररिया जिला से। अररिया तक ये मैसेज पहुंच गया? पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान मैसेज पहुंच गया। बिहार में और कोई नहीं है, सिर्फ पप्पू यादव है, सारे बिहार से। आप लगातार लोगों से नहीं नहीं सहायता ले रहे हैं, आप सहायता करते जा रहे हैं, अपना सोच रहे हैं? देखिए अपना क्या सोचना, अपना हाल आपने देखा है, चेहरा कैसा हो गया आपका? हद हो गया भैया, आप उसका हाल देखे हैं जिसको इन लोगों ने बेहाल कर दिया रावणों ने, अब इन्हीं लोगों का लंका जलेगा। देखिए और भी जनता उनसे जुड़े, पप्पू यादव एक ही नेता कोई बिहार में है, वो पप्पू यादव है। हम लोग भी बहुत बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, सपोर्टर में थे, मगर पप्पू यादव ऐसा कोई नेता नहीं है कि दुख सुख में जाके और बचाने का काम कर रहा है। मैं मंत्री से लेके कानून मंत्री से लेके विधायक तक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, वो बीजेपी के, देखिए बड़ा बात है यहाँ पर, बीजेपी के पास राजकिशोर पासवान जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी, तो क्या ये सभी पार्टियां सब आपके तरफ आ रही है? लोग आप सोचिए ना, हम इतना सोच सकते हैं कि बीजेपी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है? पप्पू यादव काम कर रहा है जनता के बीच में, जनता के दुख दूर में पप्पू यादव साथ दे रहा है। बीजेपी पर जनता मैंने विश्वास नहीं किया सकता है आज तक? तो आपने तो विश्वास किया था ना पहले,
किया था वो दो साल पहले तक जब ये गलतफहमी मिला तब ना हम ये गलती हो गई आपसे बहुत बड़ी गलती है ये सर बहुत बड़ी गलती अब छोड़ देंगे हम तो छोड़ दिए हाँ हमने हम देखिए लगातार जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है पप्पू यादव को पप्पू यादव भी आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने शरीर का ख्याल नहीं कर रहे हैं और लोगों के बीच में लगातार उनकी जो लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है शायद यही वो वजह है कि लोगों का आगे आगे कल्याण भी होता जा रहा है आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें धन्यवाद लेकिन अमित शाह भी आके ये काम नहीं कर सकते हैं जो ये कर रहे हैं बीजेपी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।